हरे कृष्णा। तो आज मैं आखिरी जो प्रवचन है मोहिनी मूर्ति की लीला पर, इसमें हम इसलिए चर्चा करेंगे कि जो लज्जा या शर्म होती है उसकी भक्ति में क्या भूमिका होती है। यहाँ पे बड़ा आश्चर्यजनक श्लोक है कि जब शिवजी लज्जित नहीं हुए हैं वो देखकर विष्णु बड़े प्रसन्न हो गए। साधारणतया जब हम कुछ गलत कार्य करते हैं तो एक तरह से जो हमें शर्म आती है, हमें लज्जा आती है, उससे क्या होता है, वो गलत कार्य करने से पुनः करने से कम रुक जाते हैं, सोचते हैं। तो कैसे है कि हमारे अंदर अभी जो लज्जा है, वास्तव में यह इसके दो शब्द अलग अलग हो सकते हैं पर इसके एक दो पहलू हो सकते हैं। एक है कि हम दूसरों की आंखों में गिर जाते हैं कि मैं लज्जित हूँ कि मैंने ऐसा कार्य किया, तुम मेरे बारे में, तुम मुझे इतना अच्छा व्यक्ति, अच्छा इतना भक्त सोच रहे थे और मैंने ऐसा कार्य कर दिया। तो उसमें एक बाह्य भाग है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वह सोचकर हम कि मैं दूसरों के नज़रों में गिरना नहीं चाहिए, ये एक भाग है। और दूसरा भाग ये है कि हम खुद के नज़रों में भी गिर जाते हैं कि अगर हम कुछ तत्वों के अनुसार, कुछ मूल्यों के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं और जब जी नहीं पाते हैं तो तभी हम खुद की नज़रों में गिर जाते हैं। तो अभी ये दोनों तरह से, एक तरह से जब हमें बुरा लगता है, जिसको अंग्रेजी में बाहर, जो बाहर से हमको लज्जा आती है उसको शेम कहते हैं, और जो अंदर से हमको बुरा लगता है उसको कॉन्शियंस कहते हैं, उसको विवेक बुद्धि कहते हैं। हमारा विवेक, हमारी विवेक बुद्धि हमें चूपती है कि तुमने ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये गलत किया तुमने। तो ये दोनों जो है एक तरह से हमें सही मार्ग में रखने में हमें मदद करती है। तो ये हमारे संरक्षक है, ये हमारे मित्र है। ये दोनों बाह्य रूप से लज्जा, अंदर रूप से विवेक, अंदर के रूप से विवेक क्या करते हैं, जब हम कुछ गलत कार्य करते हैं तो हमें रोकते, मत करो ऐसे, या गलत कार्य हो भी जाता है तो फिर हमको लगता है कि ऐसे नहीं करना चाहिए था मैंने, तो फिर उससे हम शायद माफ़ी मांग लेते हैं उनसे, या फिर कम से कम पुनः वैसा ना करें उसके लिए हम चौकन्ना हो जाते। तो अगर किसी को गलत करने के बाद कुछ बुरा लगे ही नहीं तो वो तो बहुत गलत है। टू नॉट फील बैड ऑन डूइंग बैड इज वेरी बैड। कि बुरा कार्य करने के बाद भी किसी को कुछ बुरा लगता ही नहीं है तो मतलब क्या हो गया, उसका विवेक अंदर से लगभग मर गया है। मरता नहीं कभी विवेक, पर ऐसे बेहोश हो गया है, निकम्मा हो गया, निष्क्रिय हो गया, और उसको समाज की भी कुछ परवाह नहीं है। तो भगवान कहते हैं ये असुरी प्रवृत्ति का लक्षण है। असुरी प्रवृत्ति में क्या कहते हैं वो 16वें अध्याय के 11, 13वें, 14वें, 15वें श्लोक में, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं वो बड़े ही भयानक कार्य करते हैं, तो पैसे के पीछे लगते हैं और इदमद्यमया लब्धम इमं प्राप्से मनोरथम इदमस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। कि मैंने इतना पैसा इस योजना से कमाया है, उस योजना से उतना पैसा कमा लूँगा। अभी ये तो कहेंगे कि स्वाभाविक है, सब लोग पैसा कमाना चाहते हैं, योजना बनाते हैं, हाँ वो ठीक है। पर अगले श्लोक में बताते हैं कि ये पैसा कमाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। आपको लगता है कि ये व्यक्ति मेरे पैसे कमाने में बीच में आ रहा है तो फिर असौ मया हतः शत्रुर हनिष्ये चापरानपि, मैंने इस शत्रु को भी मार डाला और उस शत्रु को भी मार डालूंगा, हनिष्ये चापरानपि, और फिर उसके बाद क्या हुआ, ईश्वरो अहम अहम भोगी, देखो किस प्रकार मैं ईश्वर हूँ, नियंत्रक हूँ, मैं कैसे मैं भोग कर रहा हूँ, सिद्धो अहम बलवान सुखी, तो मैं शक्तिशाली हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, परिपूर्ण हूँ और मैं सुखी हूँ। तो ये बुरा करना, और बुरा अगर यशस्वी, कोई अच्छी तरह से बुरा करने में यशस्वी हो जाता है तो उसमें खुद की शक्ति, उसमें खुद की बुद्धिमत्ता, उसमें खुद का सामर्थ्य मानना, ये आसुरी प्रवृत्ति का लक्षण है। वे क्या है, जो दैवी प्रवृत्ति के लोग हैं वो भी बुरा कर सकते हैं कभी कभी, और आसुरी प्रवृत्ति के लोग भी कभी अच्छा कर सकते हैं। ये आगे बताते हैं भगवान कि आढ़्यो अभिजन्वान अस्मि कौन्योस्ति सदृशो मया, देखो मेरा लोग कितना गुणगान करते हैं, वो लोग गुणगान आपके वो वास्तव में भय से करते हैं, अरे इतना शक्तिशाली व्यक्ति है हमें कुछ परेशान कर देगा, तो उसके भय से थोड़ा गुणगान करते, पर मतलब तुमको लगता है कि मैं इतना बड़ा शक्तिशाली हूँ। को याक्षे दास्यामि मोदिश्य,
और यज्ञ करते हैं, दान देते हैं, पर वो दान क्यों देते हैं? इसलिए नहीं कि उन्हें वास्तव में दूसरों का कल्याण चाहते हो, दान देकर जो कोई गरीब है उसको मदद करनी है उनको, कि देखो मेरा समाज में ऐसा रेपुटेशन आ जाए, ऐसा नाम होना चाहिए कि मैं कितना दानवान दानवीर हूँ। तो याक्षे दास्यामि मोडिश्य मोदिश्य, इसमें वो आनंद लेते हैं। इति अज्ञान विमोहितः, यह भाव भगवान कहते हैं कि यह अज्ञान का मोह है। तो उसमें क्या हो गया है, जो असुरी प्रवृत्ति के लोग, दैवी यहाँ पे है असुरी यहाँ पे है, तो जो असुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वह बुरा करते हैं और बुरा करने में यशस्वी होते हैं, तो खुद को बड़ा बुद्धिमान मानते हैं और सुखी होते हैं उसमें, और कभी भी अच्छा भी करते हैं, वो दान देना अच्छा कार्य है, पर वो अच्छा कार्य इसलिए नहीं कर रहे कि दूसरे को अच्छा चाहते, वो चाहते हैं कि मेरी ख्याति बढ़े, मेरा नाम बढ़े। ना इसके विपरीत जो अच्छे लोग होते हैं कभी उनसे बुरा हो जाता है, तो जब बुरा हो जाता है उनसे तो क्या होता है, तभी उसमें वो आनंद नहीं लेते हैं, सोचते हैं कि ये मैंने बुरा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे। तो कुछ लोग होते हैं कि वो सोचते हैं कि बुरा करना बुरा नहीं है, बुरा करने के बाद पकड़ा जाना बुरा है। एक बार एक व्यक्ति बहुत तेज़ी से गाड़ी चला रहा था और जो स्पीड लिमिट था उसकी से ज़्यादा, तो फिर वो ट्रैफिक पुलिस ने उसको रोक लिया, और ट्रैफिक पुलिस ने उसको रोका, उसको पूछा क्या तुमने स्पीड लिमिट देखा नहीं? हाँ मैंने स्पीड लिमिट देखा, मैंने आपको नहीं देखा। मतलब कभी कभी भाव होता है कि गलत करना गलत नहीं है, गलत करके पकड़ा जाना गलत है। तो अगर तुमको नहीं देखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता, तो तुमको देख रहा है तो फिर मैं स्लो हो जाता था। तो ऐसे नहीं है, जो दैवी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो असुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो गलत नहीं करना चाहते, क्योंकि वो न कि ऐसे वो चाहते हैं कि मैं पकड़ा ना जाऊँ, अगर मैं गलत करके नहीं पकड़ा जाऊँगा तो मेरी बुद्धिमत्ता है, मैं करते रहूँगा वैसे। पर जो दैवी प्रवृत्ति के लोग हैं वो गलत करना ही गलत है समझते हैं, और अगर गलत कर देते हैं तो फिर वो उनको बुरा लगता है, और इस तरह से वो सद्मार्ग में रहते हैं। अभी हमको क्या है, इस दुनिया में अनेक प्रकार से प्रलोभन होते हैं, और किसी भी पद्धति से अगर हम सही मार्ग पे लगे रहे तो अच्छा है, किसी भी पद्धति से किसी भी कारण से, जैसे भगवान कहते हैं भगवान, जैसे भक्तर सामन सिद्ध में बताया गया है, ये न के न प्रकारेण मन कृष्ण निवेशित, किसी भी पद्धति से आप हमें भगवान में मन लगाना है, उसी तरह से किसी भी कारण से अगर हम सही मार्ग में लगते हैं तो अच्छा है। अच्छा ये है, सबसे उत्कृष्ट ये है कि हम जो अच्छा करना हमें अच्छा लगता है, अच्छा करना हम समझते हैं कि इससे हमारी बुद्धि इतनी विकसित है कि हमें लगता है कि अच्छा करने से मेरा अच्छा होगा, दूसरों का अच्छा होगा, और अच्छा करने के लिए आकर्षण है इसलिए हम अच्छा करते हैं। पर अगर अच्छा करने के लिए इतना आकर्षण है भी नहीं हमें, जो बुरा कार्य है उसके लिए आकर्षण है, पर ये बुरे कार्य से मुझे बुरा फल होगा, इसलिए मुझे अच्छा कार्य करना चाहिए, तो वो भी अच्छा ही है। किसी भी पद्धति से हम सही मार्ग पर लगे रहते हैं तो अच्छा है वो। तो इसमें बाहर से लज्जा और अंदर से जो विवेक है, ये दोनों हमें सही मार्ग में लगे रहने में मदद करते हैं। तो अभी इसीलिए अगर कोई गलत करता है कार्य, तो उसके बाद में जब उनको कुछ सजा देनी होती है या उनको कोई उनके खिलाफ ही कार्रवाई करनी होती है, तो जो जज होते हैं, वो जो न्याय करने वाले थे, वो देखते हैं कि इस व्यक्ति का भाव क्या है, क्या ये शर्मिंदा है, क्या ये पश्चाताप कर रहा है। तो ये भौतिक न्यायालय में देखा जाता है कि व्यक्ति का एटीट्यूड, व्यक्ति का भाव क्या है। अगर कोई पश्चाताप कर रहा है तो शायद उसकी सज़ा कम भी हो सकती है। तो इसलिए जो व्यक्ति को आत्मग्लानी, बुरा लगना कि मैंने बुरा कार्य किया है, वह अच्छा है। इसीलिए साधारणतया अगर कोई बुरा कार्य करने के बाद शर्मिंदा होता है तो वह अच्छा है। पर हर नियम जो होता है उसका अपवाद होता है। तो मैं बता रहा था शुरुआत में कि ये आश्चर्यजनक बात है कि शिवजी शर्मिंदा नहीं हुए हैं, और शर्मिंदा न होने के कारण भगवान उनसे प्रसन्न हो गए।
साधारणतः हम देखते हैं किसी ने बुरा कार्य किया है और उसके बाद में हम देखते हैं कि तो बहुत पश्चाताप कर रहा है, तो फिर क्या है, उसको बहुत बुरा लग रहा है, तो फिर क्या हमको अच्छा लगता है, इसको कम से कम इसकी विवेक बुद्धि तो है, सही मार्ग पर आ जाएगा भविष्य में। तो फिर यहाँ पर ऐसे ऐसे विलक्षण बात क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो है कि भागवतम में हमको साधारण धर्म बताया गया है, पर कभी कभी असाधारण परिस्थितियाँ भी जीवन में आ जाती हैं। तो असाधारण परिस्थितियों में कैसे हमें भक्ति बरकरार करनी है, रखनी है, वह अभी सिखाया जाता है। तो अभी क्या है कि जैसे मैंने बताया कि जो शर्म या लज्जा है वह हमारे भक्ति के लिए, धार्मिक जीवन के लिए अनुकूल है, पर कभी कभी वही जो है वही लज्जा या शर्म कभी प्रतिकूल बन सकती है। कैसे प्रतिकूल बन सकती है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ही किसी समाज में, किसी समुदाय में किसी बहुत ही आदरणीय पद पर था, और उसके बाद में उससे कुछ गलती हो गई है। जब उससे कुछ गलती हो गई है तो अभी क्या होता है समाज में, हमें जितना हम आदर से आनंद लेते हैं उतना हमको अनादर के द्वारा दर्द मिलता है। ये समाज में द्वंद्व होता है कि जितना हम अच्छा मौसम आएगा तो कूदेंगे नाचेंगे, तो फिर खराब मौसम आ जाएगा तो उतना हम उद्विग्न उदास हो जाएंगे। तो अभी भगवान इसलिए कहते हैं शीत उष्ण सुख दुखेशु तथा मानापमानयो, कि ये जो अच्छा गर्मी है, सर्दी है, सुख है, दुख है, मान है, अपमान में है, उन सब में आप संभाव रखो। तो मान मिलने पर ज़्यादा आदर मत लो, ज़्यादा सुखी मत हो जाओ आप, तो फिर अगर अपमान भी होगा तो उससे उतना दुखी नहीं होगे। तो कभी कभी कुछ लोगों के लिए क्या हो जाता है कि अगर उनको किसी समाज में आदर मिला हुआ है और फिर उनसे कुछ गलती हो जाती है और फिर वो जो उस पद पर है उस पद पर अभी नहीं है, तो कभी कभी उनको इतनी लज्जा लगती है, इतनी शर्म लगती है कि वो वहाँ पे आ ही नहीं पाते। तो अभी ये क्या हो रहा है, ऐसा अगर व्यक्ति उसको लगेगा कि मैं इतना गिर गया हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए अगर वो भक्तों का संग ही छोड़ देगा तो फिर वहाँ पे क्या है, वो लज्जा, वो शर्म उसके भक्ति के लिए प्रतिकूल है। तो हम सबको एक स्वाभाविक रूप से थोड़ा सा सम्मान, थोड़ा सा आदर तो चाहिए। हम जब किसी हम कहीं मिलने कहीं आ जाते हैं तो हम इतनी तो अपेक्षा करते हैं कि अगर मैं उनको कोई हरे कृष्णा बोलता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, प्रणाम, उनको ग्रीट करता हूँ तो वो मुझे ग्रीट करे। पर अगर हम कहीं जाते हैं और हम किसी से बात करना चाहते हैं और वो अपना मुंह फेर लेते और सब ऐसे करते हैं तो हमको लगता है यहाँ पर आया क्यों हूँ इस प्रकार से। तो एक मानवीय तो जो थोड़ा सा आदर है, सिर्फ आदर के लिए पीछे भागना वो अहंकार का लक्षण है, पर एक थोड़ा सा सम्मान, थोड़ा सा आदर जो है वो तो एक मानवीय ज़रूरत है। वो तो एक स्वाभाविक भाव से आदान प्रदान के रूप में हम आदर करते हैं एक दूसरे का। तो एक तरह से शास्त्र में बताते हैं कि हमें नम्र बनना है। तृणादपि सुनिजे न चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आप तिनका जो है उससे भी, आप जो घास का तिनका है उससे भी नम्र बनो। पर उसी श्लोक में वो भी क्या कहते हैं कि मान देना, आप दूसरों को मान दो। और इसका मतलब है दूसरों को भी, वो आदेश सिर्फ मेरे लिए, दूसरों के लिए भी आदेश है, तो दूसरे मुझे भी मान देंगे। तो एक दूसरों का एक तरह से भक्तों के समाज में हम बताते हैं कि हमें नम्र बनना है, तो दूसरी ओर से भक्तों के समाज में ये बताता है कि एक दूसरों का आदर करना चाहिए। तो थोड़ा सा सम्मान, थोड़ा सा आदर, यह एक स्वाभाविक मानवीय ज़रूरत है, ये अपेक्षा है। और अगर वह भी नहीं होता है, अगर वह न मिलने का किसी को भय होता है तो फिर क्या है, उसके कारण वो सत्मार्ग छोड़ सकते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कर पाया तो अभी मैं इस मार्ग में रहूँगा ही नहीं, मैं इसे दूर चला जाऊँगा। तो ये क्या हो गया है उसमें, अभी ये क्यों हो रहा है, शायद उस व्यक्ति का दोष हो सकता है, वो शायद उस समाज का भी दोष हो सकता है, उस समुदाय का भी दोष हो सकता है कि वो, तो इसलिए अभी क्या करना है हमें, ये दोनों को जिम्मेदारी लेनी कि व्यक्ति का अगर उसने कुछ गलत कार्य किया भी है तो फिर उसका अनादर नहीं करना है। जैसे जिस पद पे वो पहले थे उस पद पे बाद में नहीं रहेंगे वो, तो उतना आदर नहीं करेंगे, वो स्वाभाविक है, पर फिर भी आदर करना चाहिए। और अगर उस व्यक्ति को वो भय लगता है कि मुझे लोग अपमान करेंगे
और उसके कारण वो लज्जित होकर भक्तों से दूर रहते हैं, तो फिर वो जो है वो उस भक्त के लिए भी अच्छा नहीं है, उस समाज के लिए भी अच्छा नहीं है। मैं एक मंदिर में था, मैं एक भक्त से बात कर रहा था कि वो भी अच्छा प्रचार कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रचार कर रहे थे, तो वो बता रहे थे मुझे कि वो लगभग एक मंदिर में, एक वो वैसे मंदिर है वहाँ पे बहुत से ब्रह्मचारी है, बहुत से ब्रह्मचारी बन रहे हैं और बहुत प्रचार हो रहा है वहाँ पे। तो वो उस मंदिर में कई सालों के लिए ब्रह्मचारी थे और फिर उसके बाद में उन्होंने अपना आश्रम बदल लिया और वो बोले एक दिन मैं जैसा मेरे वस्त्र सैफरन से वाइट बन गए तो ऐसे लोग मुझसे बर्ताव करने लगे कि मैं अछूत बन गया हूँ। एक दिन ब्राह्मण था और दूसरे दिन अछूत बन गया। बोले कि वो एक दिन मैं मंदिर में गया, उस दिन अभी वो उसके बाद लगभग 12 साल हो गए हैं, 12 साल वो बोले मैं उस मंदिर में गया ही नहीं, वो भक्ति कर रहे कहीं और समाज में चले गए। तो अभी यह क्या है, हम कहेंगे कि हमको भक्त को नम्र होना चाहिए, पर क्या है, नम्र होना और खुद का अपमानित होना ये बात अलग है। यह एक तरह से कहेगी वो जो भक्तों का समाज है उसकी ओर अपरिपक्वता है कि ठीक है हर एक जो व्यक्ति ब्रह्मचारी है, अगर ब्रह्मचारी से कोई गृहस्थ बनता है तो वो एक तरह से वास्तव में पतन नहीं है। वो कोई संन्यास ब्रह्मचारी आश्रम के बाद में गृहस्थ आश्रम आता है, उसके बाद में वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास आता है। तो ब्रह्मचारी आश्रम से गृहस्थ आश्रम जाना ये पतन नहीं है। अगर संन्यास आश्रम से कोई गृहस्थ आश्रम में आता है तो फिर वो थोड़ा गलत है, पर तभी भी व्यक्ति को ऐसे नहीं कहना चाहिए कि उस व्यक्ति का इतना अपमान हो जाए कि वो भक्ति ही ना कर पाए। एक बार 1976 में ऐसे हुआ था कि प्रभुपाद जी क्योंकि वरिष्ठ भक्त सन्यासी भक्त थे और उनको कुछ समस्या आ गई और फिर उन्होंने उनकी गलती हो गई, कुछ नियम टूट गया उनसे, तो वो बड़े हताश हो गए और उन्होंने अपना सन्यास का जो दंडा था वो प्रभुपाद जी को वापस भेज दिया कि मैं अभी सन्यासी नहीं रह सकता। और फिर क्या हुआ था, प्रभुपाद जी के तभी एक सेवक थे तो प्रभुपाद जी को जो खत आते थे प्रभुपाद जी खुद नहीं पढ़ा करते थे, दूसरे भक्त उनको पढ़ के सुनाया करते थे हमेशा अधिकांश रूप से। तो क्या हुआ, ये भक्त ने जब उसको पता चला कि ऐसे ऐसे हो गया है तो उस भक्त ने सबको बता दिया, तुमको पता है इसका पतन हो गया, इसका पतन हो गया, इसका पतन हो गया। और जब प्रभुपाद जी को ये पता चला प्रभुपाद जी इतने गुस्सा हो गए, बोले तुमने अभी उस भक्त को भक्तों के समाज में आने के लिए नामुमकिन बना दिया कि ये तुमने उसके प्रति हिंसा की है। नहीं प्रभुपाद जी वो इतने बड़े भक्त थे, मैं सोचा क्या करूँगा, ऐसे हो गए तो बताना चाहिए, ये वो अगर उनको कुछ समस्या आई है तो वह कैसे बताना है, किसको बताना है। प्रभुपाद जी बोले ये मेरी जिम्मेदारी है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि अगर इस तरह से जो अगर एक तरह से है किसी को लज्जित किया जाता है, अगर मान लीजिए एक भक्त किसी दूसरे भक्त का अपमान करता है तो उससे कहता है मैं तुमको नम्र बनाना सिखा रहा हूँ ये उचित नहीं है। नम्रता वो वास्तव में व्यक्ति को खुद चुननी है, इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमिलिटी और ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिटी मतलब नम्रता है और ह्यूमिलिएशन मतलब अपमान है। तो क्या है, ये किसी का अपमान करने से उसको नम्रता कभी नहीं सीखने को मिलती, वास्तव में अपमान होने से व्यक्ति को और जलन होती है, गुस्सा होता है, संबंध खराब होता है। बहुत ही कम समय से होता है कि अपमान के द्वारा किसी को नम्रता सिखाई जाएगी, सीखी जाएगी। तो कभी कभी हो भी सकता है, पर ऐसे नहीं कि दूसरे व्यक्ति को सोचना चाहिए मैं इसका अपमान करूंगा इसके द्वारा इसके नम्रता सीखी जाएगी, ऐसे नहीं। कि जी जीवन में हम जीते जीते ही हम सब की हम योजना बनाते हैं, योजना काम नहीं करती है और उससे स्वयं ही हम नम्रता सीख जाते हैं। तो अपमान करना ये किसी को नम्रता सिखाने का कोई मार्ग नहीं है। और उसी तरह से जब कोई इतना लज्जित खुद को महसूस करता है कि वो लज्जा उस व्यक्ति को भगवान से दूर रखती है, तो फिर वह वास्तव में वह लज्जा जो है भक्ति के प्रतिकूल है। और उतना हद तक किसी को खुद को लज्जित महसूस करना या दूसरे को लज्जित करना यह उचित नहीं है। तो अगर एक उदाहरण का समझाना है, ये हमारे पांच उंगलियां है, तो मान लीजिए ये यहाँ पे भगवान है, यहाँ पे हम आत्मा है और यहाँ पे कुछ गलत कार्य है, तो जो हमें लज्जा है, लज्जा हमें गलत और गलत कार्य के बीच में आनी चाहिए कि मैं अगर गलत कार्य करूँगा तो गलत कार्य न करूँ, उसके वो करने के लिए
मुझे लज्जा गलत कार्य करने पे या करने के पहले मुझे लज्जा लगती है तो गलत कार्य ना हो. तो जो जो गलत का जो लज्जा है वह मुझ में और गलत कार्य के बीच में आनी चाहिए. पर कभी कभी क्या होता है, ये लज्जा यहाँ पे आ जाती है, मुझ में और भगवान के बीच में आ जाती है. अगर हमको इतनी लज्जा लगती है कि हाँ लगता है मैं भक्ति नहीं कर सकता, तो फिर ये जो है ये प्रतिकूल है, ये अनुकूल नहीं है. इस प्रकार की जो लज्जा है यह क्या है, अभी वह व्यक्ति को खुद लग सकती है, दूसरे उसको उस तरह से लज्जित कर सकते हैं. अगर किसी ने कुछ गलती की है, हम उनको डांटते भी हैं, डांटने से वो शर्मिंदा हो जाते हैं, पर हमें किसी को इतना भी नहीं डांटना है, इतना भी शर्मिंदा नहीं करना है कि उसको लगे मैं भक्ति कर ही नहीं सकता अभी. तो जब हम डांटते हैं क्या करना है, वो डांट से उसको हमें यहाँ पर आना चाहिए कि ये गलत कार्य तुम्हें नहीं करना चाहिए इसे. तो इसलिए इन दोनों के बीच में आना चाहिए. पर अगर ये गलत का हम में और भगवान के बीच में अगर लज्जा आ जाती है तो फिर वो भक्ति के लिए बहुत प्रतिकूल है और वैसे लज्जा नहीं आनी चाहिए. अभी वो व्यक्ति को भी समझना चाहिए कि भक्ति मेरी बहुत महत्वपूर्ण है और भक्ति मेरी इतनी महत्वपूर्ण है कि मैं कुछ भी हो जाए, कि आदर मिले या ना मिले, अनादर भी मिले, तो भी मैं भक्ति करते रहूँगा. तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग पद से भक्ति कर सकते हैं. कुछ लोग भक्तों के संग में हमेशा आते हैं, उसके द्वारा भक्ति करते हैं. कुछ लोग भक्तों के संग थोड़ा दूर रहते हैं, जैसे मैं वो भक्त बता रहा था कि वो उस समुदाय में वापस जा ही नहीं पाए, पर कहीं और चले गए, वहाँ पे भक्ति करते रहे वो. तो हर एक व्यक्ति को मैं भक्ति कहाँ कर सकता हूँ यह अनुकूल जगह ढूंढनी है. तो कभी कभी ऐसे हो सकता है कि व्यक्ति को लगे कि भले ही मैं इतना हताश हो गया हूँ कि मैं भक्ति ही नहीं कर पाऊँगा अभी, तो फिर उसको समझना चाहिए कि भक्ति जो है ये इतनी महत्वपूर्ण है कि कोई भी चीज़ मुझ में और भगवान के बीच में नहीं आनी चाहिए. कि अगर तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे पद्धति ढूंढ लेनी चाहिए ताकि मैं अपनी भक्ति कर सकूं. और जो जो समाज है भक्तों का, उसको भी इतना परिपक्व होना चाहिए कि भले ही कोई कुछ गलती करे भी, तो फिर ऐसे नहीं है कि वो व्यक्ति गलती करने के बाद भक्तों के समाज में आता है तो सब लोग उसकी ओर देखते हैं और फुसफुस करते हैं, देखो ये देख सकता अभी यहाँ पे आ गया है. नहीं, वैसे कभी नहीं करना चाहिए. गलती की है व्यक्ति ने तो उसके बारे में हमें जो इंग्लिश में गॉसिप कहते हैं, प्रजल्बन ही करना है हमें. ठीक है, गलती की है उनसे, और जो जो उसके लिए कार्य करना है वह जो अथॉरिटी से जो अधिकृत व्यक्ति है वो कर लेंगे. तो अभी यह दूसरा पॉइंट पर था. पहला पॉइंट मैंने बताया कि साधारणतया लज्जा हमें संरक्षा करती है गलत कार्यों से, पर कभी कभी अगर लज्जा हमें भगवान से दूर रखती है तो वो लज्जा प्रतिकूल है. और अभी हम यहाँ पे क्या हुआ है, शिवजी लज्जित नहीं हुए हैं और यह देखकर भगवान प्रसन्न हो गए. वे प्रसन्न क्यों हुए हैं भगवान यहाँ पे, वास्तव में कि वहाँ पे शिवजी, अभी वास्तव में शिवजी तो एक तरह से गुरु है, वो महादेव है, देवों के देव है वो, और वह अपने वो मोहिनी मूर्ति के द्वारा इस तरह से मोहित हो गए कि अपनी ही पत्नी के सामने वो किसी और के सामने क्योंकि भागने लग गए, अपने ही अनुयायियों के सामने वो छोड़ के भागने लग गए. और न केवल वो वहाँ पे भागे, मोहिनी मूर्ति भी कहाँ हुए ऐसे जंगलों में ऐसे भागी कि वहाँ पे जो ऐसे ऋषि मुनि थे जो शिवजी की पूजा करते थे उनके सामने भी इस तरह से भागे. तो फिर अभी मतलब किसी का अपमान भी होना है तो इससे बुरा अपमान क्या हो सकता है. हाँ, मतलब कैसे कहते, पूरी इज्जत पिट्टी में मिल गई जैसे कहते हैं हम, उस तरह से हो गया उनका. तो अभी ऐसा होने के बाद भी शिव जी क्या देख रहे थे, क्या है कि अगर हम यहाँ पे है, हमारा समाज जो है भक्तों का समाज है, बाकी समाज यहाँ पे है और भगवान यहाँ पे है, तो अगर शिव जी यहाँ देखते थे अरे समाज में मेरा इतना अपमान हो गया, तो फिर वो कुछ कर ही नहीं पाते थे. वो तो बहुत गुस्सा हो जाते थे, शर्मिंदा हो जाते थे, मायूस हो जाते थे. पर शिव जी समाज की ओर देख ही नहीं रहे, शिव जी भगवान की ओर देख रहे हैं. और भगवान की ओर देख के क्या कह सोच रहे हैं कि मैं तो इतना
आत्मनियंत्रण जान शिव जी को धीर बताया गया है. शिव जी इतने धीर पुरुष है तो वो अगर मोहित हो गए हैं तो जो उनको मोहित करता है उनकी क्या शक्ति होगी. और मेरे भगवान कितने महान हैं कि मुझ जैसे व्यक्ति को भी मोहित कर सकते हैं. तो मतलब क्या है, इस परिस्थिति में वह कृष्ण भावना में है, वह भगवान के स्मरण भगवान की चेतना में है. वो ये देख रहे हैं कि भगवान मेरे बारे में क्या भगवान मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मैं भगवान के बारे में सोच रहा हूँ या नहीं, समाज मेरे बारे में क्या सोच रहा है, यह वो सोच नहीं रहे हैं. और उसके कारण वह हताश नहीं हो, वास्तव में वह प्रसन्न हो जाते हैं. और आगे के श्लोकों में वह पार्वती देवी को बताएंगे कि देखो भगवान की क्या महान शक्ति है. तो क्या है, वह यहाँ पे बिल्कुल उनकी भौतिक चेतना नहीं है, पूरी आध्यात्मिक चेतना है. और जब आध्यात्मिक चेतना होती है तो फिर उस तो यह आध्यात्मिक चेतना रखना जो है यह बड़ा ही मुश्किल कार्य है. जब इस तरह से किसी का अपमान हो जाता है तो फिर वह तभी आध्यात्मिक चेतना रखना वो आसान काम नहीं है. तो अगर तभी आध्यात्मिक चेतना कोई रख पाता है तो फिर तो वो वास्तव में बहुत सराहना का कार्य है. वो तो भगवान यह देखकर प्रसन्न है. क्या होता है कभी कभी लोगों को बताया जाता है कि हम सब ये जीवन क्षणभंगुर है, हमें सबसे पहले हमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं सबसे वो उस पर समय देना चाहिए, बाकी सब चीज़ों पर ज़्यादा समय देना चाहिए. और ये हमारे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है यह समझने के लिए लोगों को बताया जाता है कि आप ऐसे कल्पना करो कि आपकी मृत्यु हो गई है. और आपकी मृत्यु हो गई है और तभी लोग अभी आपका मेमोरियल सर्विस है, आपके बारे में लोग क्या बोलने वाले हैं, तो आप क्या चाहते हो लोग आप किस तरह से लोग आपको याद करें, तो क्या वो लोग याद करें कि ये पैसे के पीछे हमेशा भागते रहता था, इसने कभी किसी को ध्यान नहीं दिया. लोग इसका आपको किस तरह से याद करना चाहते हैं वो सोचो, उस तरह से फिर आपको क्या होगा, आपकी जो प्रायोरिटीज़ है आपकी जो महत्वपूर्ण चीज़ है उस पर आप जोर देंगे. तो ये एक तरह से अच्छा है कि हम उस किसी न किसी तरह से जो महत्वपूर्ण चीज़ है उस पर जोर दें. पर वास्तव में जब हमारी मृत्यु आएगी तो लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना हम क्या सोच रहे हैं. हमें भगवान के बारे में सोचना है. तो अगर तभी हम सोच रहे हैं कि लोग अब मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, तो फिर क्या होगा, हम पदभ्रष्ट हो जाएंगे. एक भक्त मुझे बता रहे थे, वो भक्त बहुत क्लिनलीनेस कॉन्शियस है, बहुत साफ सफाई चाहते हैं. तो अभी अच्छा साफ सफाई अच्छी है, कोई भी सद्गुण भी अच्छे हैं, पर सद्गुण से भी बहुत अच्छे कार्य से बहुत आसक्ति हो जाए तो क्या होगा, तो भी अच्छा नहीं है. तो वो भक्त बता रहे थे मुझे कि हमेशा वो जब भी कोई अपने घर में आता है, घर में जाते तो अपना घर बहुत ही साफ सुथरा होना चाहिए, अब ये भाव अच्छा है. तो एक बार क्या हुआ, वो नौकरी पे गए थे और सुबह थोड़ा लेट हो गया था, उन्होंने घर को अच्छा साफ सफाई नहीं किया. और फिर वो जब जा रहे थे तेजी से तो उनका एक्सीडेंट हो गया. तो एक्सीडेंट हो गया तो कोई ट्रक उनको टकरा गया, उनकी कार गोल गोल घूमने लगी और वो बच गए भगवान की कृपा से, उनको कुछ भी हुआ नहीं, थोड़ा सा ट्रैक कार डैमेज हो गया. पर वो बता रहे थे मुझे, जब मेरा कार घूमने लगा और मुझे लगा मैं मरने वाला हूँ, तो जब पहला विचार आया, अरे जब लोग मेरे घर में जाएंगे तो देखा मेरा घर पूरा साफ सुथरा नहीं है. तो अभी घर साफ सुथरा रखना महत्वपूर्ण है, पर उससे इतनी आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि मृत्यु के समय हम सोच रहे हैं लोग क्या सोचेंगे मेरा घर साफ सुथरा नहीं है देखकर. तभी हमें भगवान का स्मरण करना है. तो उसी तरह से क्या होता है कि अभी ये कह सकते हैं ये आसक्ति है, एक सात्विक आसक्ति है, पर फिर भी आसक्ति ही है वो. तो एक तरह से एक धार्मिक समाज में हमारा आदर हो, यह धार्मिक समाज में हम आदर नहीं चाहते, धार्मिक समाज में आदर चाहते हैं, ये भी एक प्रकार की आसक्ति है, बुरी आसक्ति नहीं है. क्योंकि धार्मिक समाज में अगर हम आदर चाहते हैं तो उसके कारण हम धार्मिक कार्य करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे.
तो और एक तरह से अगर हम इस तरह से बर्ताव करते हैं कि हमारी जब मृत्यु हो जाएगी तो भक्त हमारे बारे में अच्छा बोलेंगे, तो वो सिर्फ अच्छा बोलना हमारे हमारे नाम के लिए हमारे ख्याति के लिए ज़रूरी नहीं है, पर अच्छा बोलते हैं मतलब क्या है, उनकी शुभेच्छाएँ हमारे साथ रहेगी, उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा और हम जहाँ भी जाने वाले हैं अच्छी जगह पर जाएंगे। इस तरह से यह सोचना कि मुझे ऐसा कार्य करना चाहिए कि भक्त मेरे बारे में अच्छा बोले, यह विचार भी अच्छा है, पर उससे भी इतना आसक्त नहीं होना है कि हम मृत्यु के समय वो सोचने लगे। तो यहाँ पे इतना अपमान होने पर भी शिवजी क्या कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि ये भगवान कितने महान हैं, भगवान ने मुझे इस तरह से मोहित कर दिया है। तो यही भाव हम आगे ले सकते हैं, और ये आखिरी पॉइंट में बोलूँगा, ये आखिरी पॉइंट का ही भाव है कि कभी कभी हमारे जीवन में बड़ी गलती हो जाती है, और कुछ कुछ गलतियाँ ऐसी हो सकती है कि इससे हम शर्मिंदा हो जाते हैं, कुछ कुछ ऐसी गलतियाँ हो सकती है कि जिससे हमारा आर्थिक रूप से बड़ा नुकसान हो जाता है, कुछ कुछ ऐसे गलतियाँ होती है कि जिससे हम शायद गाड़ी चलाते हुए ध्यान नहीं देते, एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हाथ पैर टूट जाता है, अलग अलग प्रकार की गलतियाँ हो जाती हैं। और जब गलतियाँ हो जाती है तो फिर क्या होता है, एक परेशानी आ सकती है कि हम खुद को ही पीटने लगते हैं, क्यों हुआ। तो मैं जब पनामा में गया था तभी मैं मंदिर में ही रह रहा था, और मुझे सुबह 5:30 बजे मेरा फ्लाइट था पनामा से, मैं वेस्ट इंडीज़ में गया था, वेस्ट इंडीज़ से पनामा जाने वाला था, तो 5:30 बजे फ्लाइट था। तो मैं सुबह उठा, थोड़ा जप किया, और फिर जो भक्त वहाँ पे बहुत गर्मी थी, तो जो भक्त मुझे पिकअप करने को आने वाले थे, तो वो मैं सोचा कि वो गर्मी है तो फिर वो बाहर रूम लॉक किया था, मैं बोला बाहर खड़े रहना पड़ेगा गर्मी में, तो इसीलिए मैंने दरवाज़ा खोला और फिर मैं थोड़ा नहाने चला गया। और मैं जब नहाने चला गया लगभग 5-10 मिनट में आ गया, और वहाँ पे देखा कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, मैंने उस भक्त को फ़ोन किया, बोले अभी तक आए नहीं, और मैं देखा उस 10 मिनट में कोई तो भी आ गया था, उसने मैं लैपटॉप चुरा लिया। और जब वो लैपटॉप चुरा लिया तो मुझे तो भी पहले तो इतना मुझे विश्वास नहीं कि 10 मिनट में मंदिर के अंदर वो एक फर्स्ट फ्लोर पर था, कौन आया, किसने वो लैपटॉप चुरा के लेके गए, तो इतना मुझे पहले तो आश्चर्य हो गया, फिर शॉक हो गया, फिर गुस्सा आने लगा, और फिर गुस्सा आया खुद पे ही गुस्सा आया, जाके ये अगर मैं दरवाज़ा खुला नहीं रखता था, वास्तव में वो दरवाज़ा बंद था और मैं जा रहा था बाथरूम के, मैं वापस आया, दरवाज़ा खोला और फिर वापस बाथरूम के गया। मैं सोचा था कि मैं तो उस भक्त का अच्छा करना चाहता था और उस समय में किसी ने आके चोरी कर लिया लैपटॉप को। तभी क्या हुआ, वो जब कुछ गलती हो जाती है तो खुद पे ही गुस्सा आता है, और खुद पे गुस्सा आता है तो क्या होता है, हमारा मन हमको ही लेके, तुम कितने मूर्ख हो। तो तभी जब फिर उसके बाद मेरा अगले दिन मैं उस वहाँ से पनामा जाता, पनामा में कार्यक्रम था, तो तभी मैंने फिर फ़ोन किया और क्या ये लैपटॉप में पता चल कि लैपटॉप को आप लॉक कर सकते हैं कि कोई उसको खोल के काम नहीं कर सकता, जैसे वो इंटरनेट पे आ जाएगा तो उस कहाँ लैपटॉप है वो पता भी चल जाएगा। पर जो बुद्धिमान चोर होते हैं, चोरी बुद्धिमानी का कार्य नहीं है, पर चोरी भी बुद्धिमानी से लोग कर सकते हैं, तो जो होते हैं वो लैपटॉप को कभी इंटरनेट चोरी करने के बाद इंटरनेट पे आने नहीं देते उसको, उसको पूरा फॉर्मेट उसको चेंज कर देते हैं, फॉर्मेट कर देते हैं उसको। पर फिर भी क्या हुआ, फिर मैंने जो भी करना था वो धीरे धीरे कर लिया, और फिर मैं पनामा पहुँचा तो भक्तों ने दूसरे मैं उनको बता दिया था, तो उन्होंने दूसरा लैपटॉप दे दिया। तो पर हुआ क्या बाद में कि तो जब पहले मैं जप करने का प्रयास कर रहा था तो मैं बिल्कुल जप कर ही नहीं पा रहा था, मैं कितना मूर्ख हूँ कि मैं हरे कृष्ण बोल रहा था, मन बोल रहा था तुम मूर्ख हो, तो जप ही नहीं हो पा रहा था। फिर बाद में मैं थोड़ी प्रार्थना करने लग गया, और फिर तभी मेरे ध्यान में आया कि वास्तव में मेरी सेवा के लिए लैपटॉप बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, पर फिर भी ये वास्तव में अगर मैं लैपटॉप से इतना आसक्त हो रहा हूँ कि वो भगवान के स्मरण में मुझे व्यत्यय कर रहा है, तो फिर ये आसक्ति मेरे से भगवान की सेवा के लैपटॉप ज़रूरी है मेरे लिए, पर अगर ये बीच में आ रहा है तो फिर उससे इतना आसक्त होना कि मैं सेवा ही ना कर पाऊँ वह उचित नहीं है। तो फिर तो मेरा सारा लैपटॉप से ज़्यादा उसमें सारा जानकारी था, मेरे जो लेक्चर्स का पावर पॉइंट वगैरह था उसकी मुझे चिंता थी उससे ज़्यादा, पर फिर भी वो मैं लेक्चर कहीं और दिया था, फिर पावर पॉइंट वगैरह मिल गया, सब कुछ काम हो गया। तो बाद में तो तभी मुझे पता चला कि वास्तव में ये लैपटॉप से भी आसक्ति अगर हो गई तो वो भक्तों भगवान के सेवा के लिए प्रतिकूल हो सकती है। और जब ये विचार मेरे मन में आया तो शांत हो गया, ठीक है अगर नहीं है
तो उसके बिना भी मैं भगवान की सेवा कर सकता हूँ। भगवद्गीता में बताते हैं त्यागात शांति अनंतरम, अगर आप त्याग कर देते हैं तो शांति मिलती। तभी वास्तव में अनुभव किया मैंने, छोड़ दो भी लैपटॉप, नहीं है नहीं है, तो शांति महसूस होने लगे। और फिर उसके बाद में वो दिलचस्प हुआ, वो जो लैपटॉप ये मैक का लैपटॉप होता है थोड़ा महंगा होता है, और वो वेस्टर्न में जहाँ पे हमारा मंदिर है ट्रिनिडाड में, वो थोड़ा गरीब जगह है, तो वो जो लैपटॉप का चोर था वो लैपटॉप उसको बेचना था, तो वो मैक इतना महंगा था वो खरीदने को तैयार नहीं था। तो फिर वह क्या किया उसने, तो जब तो वो मंदिर को पता चल गया, तो मंदिर ने कॉन्ग्रीगेशन में अनाउंस कर दिया कि लैपटॉप चोरी हो गया, किसी को मिल गया तो दिखा जाओ। तो वो चोर बाद में वो लैपटॉप बेचने के लिए एक भक्त के पास ही आ गया कि आप ये लैपटॉप ले सकते हो और उसने लैपटॉप खोला और फिर चैतन्य चरण नाम आ गया तो फिर उसके बाद में वो भक्त ने लैपटॉप ले लिया और फिर वो पुलिस को बता दिया और पूरा वो बाकी सब कुछ अपने आप हो गया, पर लैपटॉप मुझे वापस मिल गया। तभी नहीं मिला, मैं इंग्लैंड में चला गया था, तो इंग्लैंड में उन भक्तों ने लैपटॉप शिप कर दिया वो। पर मैं ये बता यहाँ पे उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि तभी मैं महसूस हुआ कि मन पीटने लगता है कि कितने मूर्ख हो तुम। जब ऐसा भाव आता है तो वो भाव भी हमारे भक्ति के लिए प्रतिकूल है। तो हाँ, तो यहाँ पे अंत में तात्पर्य बताते हैं, क्योंकि सब कुछ जो होता है भगवान के निर्देशन में होता है, इसीलिए हमें लज्जित होना या हताश होना ये ज़रूरी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, गलती हो गई, पर भगवान इतने दक्ष है कि उनकी योजना हमारे गलतियों से रुकती नहीं है। भगवान की योजना जो है हमारे गलती के बावजूद चलती रहती है। जैसे कि अगर हम देखते हैं, अगर हम जीपीएस यूज़ कर रहे हैं ड्राइविंग करने के लिए, तो जीपीएस बताता है कि इस रास्ते पे आप भी राइट जाओ, और अगर हम उस समय लेफ्ट चले जाते हैं तो जीपीएस क्या बोलता है, तुमने मेरी बात सुनी ना, दफा हो जाओ तुम। क्या जीपीएस ऐसे कहता है? जीपीएस क्या करता है, तुरंत रीराउट कर देता है। ठीक है, अभी आप लेफ्ट चले गए, ठीक है, अभी आप आगे के आप आधे मील पे एक रास्ता है, वहाँ से आप राइट चले जाओ। अभी भारत में तो सीधे रोड होते हैं काफ़ी, हम इधर उधर जा सकते हैं। अमेरिका में जो अगर बड़े रास्ते पे होते, एक गलत मार्ग पर चले गए तो सही मार्ग पे आने के लगभग 1-2 मील, 3 मील तक जाना पड़ता है, कि रास्ते सीधे जाते तो समय लग सकता है। पर फिर भी क्या है, जो GPS होता है, भले ही हम गलत मार्ग पे चले जाए, GPS हमें वापस सही मार्ग बताता है। और अगर हम 10 बार भी गलत मुड़े तो भी GPS हमको वहाँ से भी सही मार्ग बताएगा। अभी हर जो गलती है उसका परिणाम होगा, उतना हमको सही मार्ग में आने समय लगेगा, पर कितने भी गलत टर्न हमने लिए हैं, या कभी भी हम ऐसा नहीं होता है कि अभी GPS बोलेगा तुम घूम गए हो, तुम घूमे रहोगे, तुम वहाँ से हमको वो हमको सही मार्ग पे कैसे आना है वो बता देते हैं। तो ठीक उसी तरह से भगवान जो है ये अल्टीमेट GPS है, सर्वोच्च GPS है। हम गलत मार्ग में भी चले जाते हैं, फिर भी वहाँ से भी अभी सही कैसे आगे बढ़ना है वह भगवान बता देते हैं। तो इसीलिए हमने गलती की है तो हमें एहसास होना चाहिए मैं गलती की है, पर वो गलती के एहसास में हमें नहीं रहना है सिर्फ। ठीक है, अभी यहाँ से सही मार्ग क्या है वो देखना है। ठीक है, मुझसे गलती हो गई, मैं स्वीकार करता हूँ गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं इसे सीखूंगा, पर अभी सही मार्ग क्या है। तो उस तरह से सेल्फ कॉन्शियसनेस और कृष्ण कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियस मतलब खुद के बारे में चेतना रखना, और कृष्ण कॉन्शियस मतलब भगवान के बारे में चेतना रखना। तो अगर हम बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो गए, थोड़ा सा सेल्फ कॉन्शियसनेस जरूरी है, अभी बात कर रहा हूँ मैं तो मैं किस तरह से बात कर रहा हूँ, किस तरह से प्रतीत आ रहा हूँ, स्पष्टता से बोल रहा हूँ कि नहीं, इस हद तक हमको खुद के बारे में एहसास होना चाहिए। पर अगर मैंने गलती कर दी है तो मैंने गलती क्यों की, मैं मूर्ख हूँ, मैं कभी सही चीज़ कर ही नहीं सकता हूँ, मेरा कुछ होने वाला नहीं है, मैं बर्बाद होने वाला हूँ, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, जब हमारा मन ऐसे बोलने लगता है तो ये इतना ज़्यादा खुद के बारे में सोचना भी प्रतिकूल है। ठीक है, मैंने गलती हो गई, पर अभी भी भगवान मेरे साथ है, और अभी भी भगवान यहाँ से भी मुझे सही मार्ग पर ले जा सकते हैं। इसीलिए गलतियों के बाद भी हमें खुद को कोसते हुए नहीं रहना चाहिए, खुद को कोसना चाहिए थोड़ा बहुत कि मुझे गलती नहीं करनी चाहिए, पर महत्वपूर्ण क्या है, ठीक है, यहाँ से भी भगवान भी सही मार्ग पर ले जा सकते हैं। तो इसीलिए भगवत चेतना में रहना ज़रूरी है। तो गलतियाँ होने के बावजूद भी अगर कोई भगवत चेतना में रहता है तो खुद को इतना पीटता नहीं है, खुद को इतना कोसता नहीं है कि भगवान को भूल जाए, तो फिर वह भी एक गंभीर भक्त का लक्षण है। ऐसे नहीं कि जो गंभीर भक्त है, जो सीरियस भक्त है, वो गलतियाँ करेगी नहीं, गलतियाँ सबसे हो जाती हैं,
पर गलती करने के बाद गलती के बारे में विचार करते रहना या पुनः भगवान के बारे में विचार करना और सकारात्मक मार्ग में जाना, वह अगर करेगा तो वह भी भगवान के, वह भी व्यक्ति एक तरह से गंभीर भक्त है। और यही भगवान कहते हैं, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाक साधुर एव समन्तव्य सम्यक व्यपसितो हि सो। किसने बड़ी भी गलती कर दी है पर गलती करने के बाद फिर सोचता है कि नहीं अभी मुझे भगवान की भक्ति करनी, भजते माम अनन्य भाक, भगवान की भक्ति करने का दृढ़ संकल्प है वो उसमें से जाता नहीं, तो फिर क्या है साधुर एव समन्तव्य, वह सही अच्छी स्थिति में है और क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, सही मार्ग में जरूर जल्दी ही आ जाएगा। तो इस तरह से यह शिवजी क्योंकि भगवत चेतना में रहते हैं और खुद की गलती की या खुद के अपमान की चेतना में नहीं रहते हैं, यह देखकर भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो कभी कभी हम सोचेंगे कि मेरे गलती करने से भगवान मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, सही है, गलती नहीं चाहते, गलती एक तरह से सही है वो कि भगवान हमसे चाहते कि हम गलती ना करें, पर गलती करने के बाद भी अगर नम्रता रख के खुद के अपमान, खुद को कोसने के जगह पे पुनः हम भगवत चेतना में आ जाते हैं तो उससे भी हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें कुछ भी हो जाए भगवत चेतना को नहीं त्यागना है। मैं भगवान मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूँ और हमेशा मैं उनकी सेवा करते रहूँगा, यह भाव रहे रखेगा तो गलतियाँ हो गलतियाँ ना हो कुछ भी हो हम भगवान की ओर अग्रसर होते रहेंगे। तो सारांश में आज मैंने 3 पॉइंट्स की चर्चा की। सबसे पहला कि कैसे जो लज्जा या विवेक है यह हमें गलत मार्ग से संरक्षण करता है। जो समाज में अगर लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं लोगों की नज़र में गिर जाऊंगा, इस भाव से कारण अगर हम गलत कार्य नहीं करते हैं तो वो अच्छा है। इस तरह से मैं खुद की नज़रों में गिर जाऊंगा इसलिए मैं बुरे कार्य नहीं करूँगा, यह भी अच्छा है। सर्वोच्च ये है कि मुझे अच्छे कार्य अच्छे लगते हैं, अच्छे कार्यों से ही मुझे आनंद मिलता है, दूसरों का कल्याण करने में मुझे आनंद मिलता है इसलिए मैं अच्छे कार्य करूँ। पर उस स्तर पे नहीं भी है तो भी किन किन प्रकार है, किसी प्रकार से हम अच्छे कार्य करें तो अच्छा है। तो जो दैवी प्रकृति के लोग होते हैं वो बुरा करते हैं तो उनको बुरा लगता है, जो असुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो बुरा करने पर उनको बुरा नहीं लगता है, उल्टा अच्छा लगता है, देखो मैं कितना बुद्धिमान हूँ। तो वैसे व्यक्ति उनको सही मार्ग पर आना काफ़ी मुश्किल है। तो साधारणतः लज्जित गलती करने पर लज्जित होना ये अच्छा है, पर जो भी कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा उसको हम जोर देते हैं तो वो हमारे भक्ति में व्यत्यय कर सकती है। तो मैं बताया कि जो लज्जा होती है वह वास्तव में हम में और गलत कार्य में आनी चाहिए, गलत कार्य यहाँ पे है, लज्जा यहाँ पे हम में। पर अगर लज्जा के बारे में बहुत ज़्यादा विचार करते हैं तो फिर क्या होता है, हम शायद वो हम में और भगवान में आ सकते हैं। तो कभी कभी कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो ये उस व्यक्ति का और वो समाज का दोनों का जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति को इतना लज्जित या इतना अपमानित ना महसूस कराए कि वो भक्ति को ही छोड़ दे, भक्तों के संग से ही दूर रहे। तो ये उसके लिए ऐसे नहीं है कि दूसरों को अपमानित करने से वो नम्र बनेंगे, नहीं, अपमान से वास्तव एक तरह से थोड़ा सा आदर जो है यह अहंकार का लक्षण, थोड़े से आदर की अपेक्षा करना यह अहंकार का लक्षण, ये एक साधारण मानवीय ज़रूरत है। और अगर कैसे समाज में कोई व्यक्ति ऐसे है तो उस व्यक्ति कोई हो गया है तो बाकी समाज की जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति को शर्मिंदा महसूस न करे, और उस व्यक्ति की भी जिम्मेदारी है कि शर्म के कारण ही वो भक्ति न छोड़ दे, किसी न किसी पद्धति से वो अपनी भक्ति बरकरार रखे। और फिर आखिरी यहाँ पर देखा कि भगवान प्रसन्न होते शिवजी लज्जित नहीं हुए देखकर, क्यों, क्योंकि शिवजी का जितना अपमान हो सकता था एक साथ अपमान हो गया है, पर उस अपमान में भी वो खुद का जो अपमान हुआ है उसकी चेतना में नहीं है, वो समाज की चेतना में है ही नहीं, मेरे भगवान कितने महान हैं उस चेतना में है और यह उनकी महानता है। उसी तरह से हमसे कभी बहुत बड़ी गलती हो सकती है, अगर गलती हो जाती तो हम खुद को कोसने लगते हैं, कितना मूर्ख हूँ, कितना पति तो कितना भ्रष्ट हूँ, जो भी। तो वैसे भाव से अगर हम भक्ति में वो भाव व्यक्ति में व्यत्यय आने लगता है तो वो प्रतिकूल है। जो खुद की गलती का एहसास होना ये अच्छा है, पर उसका इतना आसक्ति हो जाएगा, जैसे कि कोई व्यक्ति मरते स्वच्छता रखना अच्छा है पर मृत्यु के समय सोचता है अरे मेरा घर स्वच्छ नहीं था, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, तो उतनी आसक्ति अच्छी नहीं है। तो उसी तरह से अगर हमें अगर हमसे बड़ी गलती हो भी गई है
तो वो खुद की चेतना में रहने जगह पे हम भगवान की चेतना में रहने जगह ठीक है, इस गलती से भी भगवान की योजना चलती चल सकती है आगे। जैसे हम गलत टर्न लेते हैं तो भी GPS वहाँ से भी हमको सही मार्ग बताता है, वैसे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो भगवान हमें हमेशा सही मार्ग बता सकते हैं। और इसीलिए भगवत चेतना में रहना यह एक गंभीर भक्त का लक्षण है। चाहे गलती हो या गलती ना हो, भगवत चेतना में रहेगा तो भक्त भगवान की ओर जाने में अग्रसर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी कोई सवाल है? यस प्रभु। लेकिन उस व्यक्ति की भावना इस प्रकार से क्यों उत्पन्न हुई और उसको क्या समझाकर वापस भक्ति में भगवान की सेवा में लाया जा सकता अगर दो भक्तों में कुछ मतभेद झगड़ा हो जाता है और उसके बाद में एक भक्त भक्ति छोड़ के चला जाता है, भक्तों से दूर चला जाता है, तो फिर तो उनको हम वापस कैसे ला सकते हैं और उस भक्त को विचार कैसे करना चाहिए? क्या है कि इसमें कि एक है सेवा और दूसरा है सेवा भाव। तो कई बार कभी हो जाता है ऐसे कि हमारी आसक्ति सेवा भाव से होने की जगह पे सेवा से हो जाती है कि मुझे ये ही सेवा करनी है, और अगर ये सेवा नहीं है तो मुझे मंदिर में आना नहीं है। तो कभी कभी ऐसे होता है कि जब ऐसा होता है ट्रैवलिंग पिक्चर्स हम कई जगह पे जाते हैं तो कोई बड़ा मंदिर होगा तो कभी दो तीन भक्त एक साथ में आ जाते हैं उसी शहर में। अगर ऐसे हो गया है तो वो मेरा एक जगह एक लेक्चर था और वो टेंपल प्रेसिडेंट मेरे पास आया कि इस समय ये मेरा लेक्चर फिक्स था उस समय कि ये भक्त भी वहाँ पे आ गए और बोले कि हमने आपका लेक्चर तीन चार महीने पहले फिक्स किया था तो इसलिए हम आपका लेक्चर चेंज नहीं करना चाहते। पर वो बोले देखिए वो भक्त ऐसे है कि वो बोले कि अगर आप मुझे लेक्चर नहीं दोगे तो मैं मंदिर में आऊँगा ही नहीं। तो बोले कि ये भी वरिष्ठ भक्त है हम क्या करें, बोले मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं आप लेक्चर की अब उनको लेक्चर देने का बोलो। नहीं नहीं हम ये नहीं करना चाहते कि आपको बोला था हमने, तो हम क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि आप दोनों साथ में लेक्चर दो। हम बोले मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी वो भक्त क्या चेतना है क्या डायनामिक्स है पता नहीं है, पर कभी कभी क्या होता है, ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ किसी का अपराध नहीं करना है, कि अगर हमें मंदिर में आना है तो मंदिर में आध्यात्मिक वातावरण जो है वो उससे हमको आकर्षित होना है, उससे भगवान की चेतना में जाना है। तो अगर कहेगा मैं ये ही सेवा करूँगा और ये सेवा अगर मुझे करने का मौका नहीं देगा तो मैं आऊँगा ही नहीं मंदिर में, तो ये थोड़ा भाव उतना उचित नहीं है। तो उसी तरह से क्या होता है कभी कभी हम सेवा भाव से ज़्यादा सेवा की ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो फिर उस समय क्या कर सकते हैं हम, अगर किसी ऐसे हो गया है तो उस भक्त को भी यह सोचना चाहिए कि वास्तव में मैं मंदिर में सिर्फ ये सेवा करने के लिए नहीं, वास्तव में मैं सेवा भाव जागृत करने के लिए आ रहा हूँ। तो कभी कभी क्या होता है हमें लगता है कि ये सेवा मैं करूँगा और मैं सेवा इस तरह से करूँगा और मैं वास्तव में उस भक्त से अच्छी सेवा कर सकता हूँ, तो उस भक्त को ये सेवा क्यों दी गई या उस भक्त के इच्छा के अनुसार ये सेवा क्यों हो रही है, मेरी योजना के अनुसार क्यों नहीं हो रही है, तो ऐसे कभी कभी लग सकता है। तो जब ऐसे होता है तो भक्त को समझना चाहिए कि सेवा भाव सेवा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए ठीक है इसे हमारे मन से नहीं हुई दूसरी सेवा हो सकती है, मैं कुछ दूसरी सेवा कर सकता हूँ, ये सेवा ऐसे ही कर लेते हैं हो जाने दो। पर अगर ये जो अभी मैनेजमेंट है या बाकी समाज है उनको ये भी देखना चाहिए कि उस भक्त के साथ ऐसे बार बार नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर बार बार ऐसे ही होता है कि वो कोई सुझाव देते हैं वो कुछ करना चाहते हैं और कोई दूसरे जो बोलते हैं वैसे ही करने लगते हैं, तो फिर वो भक्त को लगने लगता है कि मुझे यहाँ पे शायद ये लोग चाहते नहीं मैं यहाँ पे हूँ, कुछ बात मानते नहीं है, मुझे कुछ मौका देते नहीं सेवा करने का। तो फिर वैसे ये कभी कभी तो होगा ही क्योंकि अनिवार्य है, पर ये बार बार वैसे ही होते रहता है तो फिर व्यक्ति फिर वो हताश हो जाता है। तो इसलिए ये दोनों की ओर से जिम्मेदारी है
कि जब हम प्रशिक्षण देते हैं भक्तों को तो हमको ये देखना है कि सेवा से सेवा भाव ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कि आपको कोई भी सेवा करने का मौका मिले वो ठीक है। तो मैं एक मंदिर में गया था कनाडा में, तो वहाँ पे मुझे वो टेंपल प्रेजेंट ने लेक्चर बोला कि कैसे सब सेवा महत्वपूर्ण है, कैसे है? वो बोले थे कि अगर मंदिर में पुजारी की सेवा करनी है या लेक्चर देने की सेवा करनी है तो सब भक्त उत्साही होते हैं, पर वहाँ पे भी रथ यात्रा आ रही थी तो अगर बर्तन धोने हैं, क्लीनिंग करना है, जो लोग को बाकी सब सेवा करनी, तो उसमें कोई उत्साही नहीं होता। तो वो बोले मुझे कि क्या आप कैसे सब सेवा महत्वपूर्ण है, सब सेवा महत्वपूर्ण है, इस पर आप लेक्चर दो। तो मैंने उस पर लेक्चर दिया। फिर उसके बाद में एक भक्त आए, बोले कि मैं जब वहाँ पर गया था उसके दो दिन पहले वो कोई और भक्त आए थे, और उसके दो दिन पहले कोई और भक्त आए थे, बोले आप तीनों ने उसी टॉपिक पर से लेक्चर कैसे लिया? तो क्या हुआ, और टेंपल प्रेसिडेंट ने सबको बोला था कि आज तीनों प्रचारकों को बोला था कि आप इसी टॉपिक पर लेक्चर दो। तो अभी जब ऐसा हो रहा है तो ऐसे नहीं है कि हाँ हम सिर्फ लेक्चर देके लोगों को प्रेरणा दे सकते। तो वो तभी फिर बाद में थोड़ी जांच करने का प्रयास किया, तो अभी पता चला क्या हो रहा था कि जो वहाँ पे जो लीडरशिप काउंसिल था वो उनमें से कोई भी मिनियल सर्विस करने के लिए तैयार नहीं था। तो वो उदाहरण ही दिखा रहे थे कि सब सेवा समान है, पर वो लेक्चर दिलवा रहे थे कि सब सेवा समान है। तो क्या हो रहा था, जो कभी कभी जैसे भगवान कृष्ण भी राजसूय यज्ञ में क्या करते हैं, वो स्वयं नम्र भाव लेके वो जो जब जो अतिथि आए होते वो उन सब के पैरों को, जो जूते को संभालते हैं, उनके पैरों को धोने के लिए पानी देते हैं। तो जो प्रताप रुद्र महाराज होते हैं वो स्वयं झाड़ू लगाते जगन्नाथ जी का। तो कभी कभी क्या होता है, हमको एग्जाम्पल के द्वारा, खुद के कार्य के द्वारा भी सिखाना होता है कि ऐसे नहीं है कि जो मैं वरिष्ठ वक्त हूँ तो मैं इससे बड़ी सेवा करूँगा। तो उस तरह से जब हम करते हैं, किसी वो प्रशिक्षण देना भी ज़रूरी है, इससे न केवल शब्दों से पर कार्यों से, तो फिर भक्त जो होते हैं वो सेवा भाव से प्रेरित होते हैं, सेवा से आसक्त नहीं होते। ओके, थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्तवृंद की, गौर प्रेमानंदे। Thank you.